हे गाइस, वेलकम बैक एट यू एंड आई ऑटोमोबाइल्स। मैं हूं आप सभी का होस्ट आलोक सिंह। गाइस, अगर मैं आपको बोलूं कि टाटा हैरियर के अंदर नए अपडेट्स आने वाले हैं तो आपको कैसा लगेगा? बिल्कुल ऐसा ही कुछ फीलिंग मेरे अंदर भी आ रही है, बिकॉज अभी टाटा हैरियर का एक नया मॉडल टेस्टिंग के दौरान पाया गया है। सारा कुछ सही रहा तो टाटा वाले इस गाड़ी को अराउंड दिवाली दिस ईयर लॉन्च कर देंगे। टॉकिंग अबाउट द चेंजेस, पहले जानना जरूरी है कि गाड़ी के अंदर आपको क्या क्या मिलता था एंड क्या चेंज होने वाले हैं। तो अभी पहले चीज आप ध्यान रखो कि गाड़ी 2019 में लॉन्च हुई थी, उसके बाद से लेके अभी 2022 हो चुका है, अभी तक गाड़ी में ऐसा कोई मेजर अपडेट नहीं आया है जिसकी वजह से मैं बोलूं कि टाटा हैरियर की तरफ जाइए, बिकॉज वो गाड़ी आपको ज्यादा ज्यादा फीचर्स देती है। बट हाँ, यस, टाटा एक ट्रस्टवर्थी ब्रांड है, अपना होम ग्रोन ऑटोमेकर है एंड इसकी वजह से काफी लोग देशभक्ति की वजह से टाटा हैरियर की तरफ जाते हैं एंड उसके डिजाइन की तरफ जाते हैं। बट फीचर वाइज ये गाड़ी कहीं ना कहीं मात खाती है अपने कॉम्पिटिटर से, लाइक आपका एमजी हेक्टर हो गया। तो अभी इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए टाटा ने डिसाइड किया कि क्यों ना हम लोग अब गाड़ी को थोड़ा सा अपडेट करें एंड गाड़ी में ऐसे कुछ फीचर्स दें जो कि दोबारा कस्टमर्स को हमारी तरफ आकर्षित करें, यानी अट्रैक्ट करें। गाड़ी का डिज़ाइन हमेशा मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगा था, बट अपडेट्स कुछ आ जाएंगे तो गाड़ी आपकी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बन जाएगी। इन टर्म्स ऑफ चेंजेस, गाड़ी में काफ़ी कुछ नए चेंजेस आने वाले हैं। पहला, गाड़ी का जो आपका फ्रंट ग्रिल है इसको ये लोग चेंज कर रहे हैं। इसके अलावा ये लोग फ्रंट एंड रियर बम्पर के डिज़ाइन को भी थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं। एंड एज पर अपडेट जल्दी ही गाड़ी के अंदर आपको मिल जाने वाला है 1.6 से लेकर के 2.0 लीटर टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन। अभी ध्यान देने वाली बात यह है कि टाटा एक ऐसा ऑटोमेकर है जो कि आपको हैरियर के अंदर देता है डीजल इंजन, इसके अलावा पेट्रोल का ऑप्शन नहीं था। वहीं पे हमारा मारुति एक ऐसा ऑटोमेकर है जो कि आपको केवल यहाँ पे सीएनजी गाड़ियां देता है, इसके अलावा पेट्रोल गाड़ियां देता है, उनके पास डीजल इंजन नहीं होता। अगर मैं बात करूँ आपको हैरियर के अंदर क्या मिलने वाला है, तो पहला अपडेट है मेजर अपना, वो ये रहेगा कि आपको यहाँ पे एक पेट्रोल टर्बो चार्ज इंजन मिल जाने वाला है। मिनिमम से मिनिमम वो आपका 1.6 से लेकर के 2.0 लीटर का रहेगा। इसके अलावा गाड़ी में ये लोग आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स देने वाले हैं, लाइक एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम जो कि आपका लेन चेंज वगैरह करने पे आपको वार्न करता है। इसके अलावा आगे सामने चलने वाली गाड़ी अगर आपके पास आएगी तो भी वो आपको वार्न करता है डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए। इसके अलावा आपको फ्रंट की जो सीट्स है उसमें आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिलने की हमको अपडेट मिला है, इनसाइडर अपडेट कह सकते हो आप टाटा की तरफ से, जो भी वहाँ बंदे काम वगैरह करते हैं। तो यहाँ पे आपको वेंटिलेटेड सीट्स पे मिलने की उम्मीद है, फ़ायदा रहेगा। बिकॉज मैक्सिमम होता क्या है, हम लोग हमेशा इतनी बड़ी गाड़ी में फैमिली को लेकर ट्रैवल नहीं करते, बट हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि गाड़ी मैंने सपोज मैं बायरू मैंने गाड़ी ले ली, फैमिली को लेकर कभी कभार ट्रैवल किया, बट मैक्सिमम टाइम क्या होगा, मैं खुद चलाऊंगा। तो मेरे कन्वीनियंस को ध्यान में रखते हुए, यानी कि जो फ्रंट रो पे लोग बैठते हैं फ्रंट सीट्स के ऊपर, उनकी कन्वीनियंस को ध्यान में रखते हुए टाटा वाले काम कर रहे हैं इस गाड़ी में आपको वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन देने के लिए, एंड वो आपके जो बैक साइड में स्वेटिंग वगैरह होती है उसके इशू से आपको बचा लेगा। इसके अलावा गाड़ी में अभी तक आपको मिलता था 7 इंच का इंफोटेनमेंट स्क्रीन, जिसको टाटा साइज में बड़ा करने वाला है, एंड आपको ये अभी 10 इंच का मिलने की पूरी उम्मीद है जो अपने को अपडेट्स मिले हैं। ये आपको सपोर्ट करेगा एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कार प्ले को। खास बात यह है कि यह वायरलेस आपको सपोर्ट करने वाला है। इसके अलावा गाड़ी में मिल जाएगा आपको वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन टॉप एंड ट्रिम के अंदर। अलॉय व्हील वगैरह के डिजाइन में कुछ चेंज सुनने को मेरे को नहीं मिला, तो ऐसे कुछ बोलना सही नहीं रहेगा। तो अभी तक आपको मैंने बताया टाटा हैरियर के फेसलिफ्टेड 2022 के मॉडल के अंदर आपको कुछ मेजर अपडेट्स मिलने वाले हैं, लाइक आपका फ्रंट ग्रिल चेंज है, रियर बम्पर का एंड फ्रंट बम्पर के डिजाइन में थोड़ी सी ट्विकनिंग की गई है, इसको थोड़ा सा अलग तरह से बनाया गया है, बहुत माइनर सा डिफरेंस मिलेगा आपको, बट उसमें चेंजेस किए गए हैं। इसके अलावा आपको मिलेगा एक 10 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम जो कि सपोर्ट करता है आपका एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कार प्ले को। इसके अलावा टॉप एंड ट्रिम में आपको वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। मैं बात करूं आपका मूड बनाने की, तो गाड़ी के अंदर आपको जल्दी ही मिलने वाला है साउंड मोड लैंप का ऑप्शन, जो कि आपको आजकल बेसिक कारों में मिलता है। आई डोंट नो पर्सनली कि लाइक टाटा ने अभी तक क्यों नहीं दिया था, बट हाँ अभी टाटा ने दे रहा है, दुरुस्त आए वाला काम किया है। आपको आगे से हैरियर में साउंड मोड लैंप मिल जाएगा एंड उसकी वजह से एटलीस्ट चलो गाड़ी का रेट नहीं बढ़ाने वाले, बिकॉज ये बहुत बेसिक सा फंक्शन है एंड आजकल हर टुची कार के अंदर आपको मिलता है। इसके अलावा मैं बात करूं और क्या है, तो यहाँ पे खास बात यह है इतनी बड़ी गाड़ी है इसके अंदर अभी तक आपको 360 डिग्री का कैमरा टाटा ऑफर नहीं करता था, बट क्योंकि आसपास जो बाकी कॉम्पिटिटर्स हैं आपको ऑफर करते हैं, अपने को पता चला है कि टाटा के हैरियर मॉडल के अंदर आगे से आपको 360 डिग्री का सराउंड व्यू कैमरा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अभी मेरे से कमेंट सेक्शन के अंदर मत बोलना कि गाड़ी कब लॉन्च होने वाली है, महीना बताओ डेट बताओ, मेरे को भी नहीं पता। बट हाँ, गाड़ी टेस्टिंग के दौरान पाई गई है, आपको बैकग्राउंड के अंदर मैंने इमेजेस शो किए, गाड़ी का आना तय है इस साल। 99% चांसेस हैं सेकंड हाफ में आपको गाड़ी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। एक बार महीना
पता चलेगा, पक्का बता दूंगा आपको मैं। अननेसेसरी झूठ मूठ को डेट बताने से फायदा नहीं है। तो आपको मैंने मेजर अपडेट्स बताए हैं अभी तक। गाड़ी का इंजन चेंज होने वाला है, डीजल के अलावा पेट्रोल आपको इंजन मिलेगा टर्बो चार्ज में। इसके अलावा आपको मैंने बताया वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन आने वाला है, ADAS का फंक्शन आने वाला है। इसके अलावा आपको मैंने बताया वेंटिलेटेड सीट्स मिलने वाली हैं। इसके अलावा आपको मैंने बताया आपको साउंड बोर्ड लैंप मिलने की उम्मीद है गाड़ी के अंदर। तो ऐसे कुछ अपडेट्स हैं जो आपको मैंने अभी तक बताए। मेरे साथ जुड़े रहिए अगर आपको इस गाड़ी के बारे में बाकी और जानकारी पता करनी है। तो आने वाले समय में जैसे जैसे पता चलता जाएगा आपको मैं अपने वीडियोस के थ्रू बताता जाऊंगा। मैं था आप सभी का होस्ट आलोक सिंह। इससे पहले बाय बाय बोलूं, याद से हमारे वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज अगर आपने नहीं किया आप डे टू डे बेसिस पे ऐसे कुछ ना कुछ ऑटोमोटिव अपडेट्स को मिस करते जाते हो, एंड यू नेवर नो कब कौन सी अपडेट आपके काम आ जाए। अपना ध्यान रखिए, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।